अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातु। आज हम वटाने की हरे वटाने की कचौरी बना रही। ये आटा है, ये दो कप आटा है, ये देखो एक कप भर के दो कप आटा है। ये आटा है, ये नमक है, ये एक चम्मच नमक है, आधा चम्मच इसमें जाएगा और आधा चम्मच वटाने में जाएगा। ये वटाना है 250 ग्राम नहीं 200 ग्राम वटाना है। इसमें से तेल लेंगे दो चम्मच, एक चम्मच इसमें डालेंगे और एक चम्मच बघारने में लेंगे, तलने में अलग लगेगा। और ये आटा है, ये आटा बेलने में लगेगा। और इसमें से ये देखो आधा नमक लेंगे और एक चम्मच है चिकन मसाला पाउडर है और आधी पाव चम्मच है हल्दी पाउडर और आधी चम्मच है कुटा भुना जीरा, एक कोथमीर है, चार मिर्ची को चॉप किए हैं और ये आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इसमें से हींग डालेंगे इसके लिए कि वटाना है पेट नहीं चरे, इसके लिए। ये गिल्ला वटाना ताज़ा वटाना है, ऐसा तो सूखे वटाना भी भिगा के उसका भी बनता है। ये देखो इसमें एक चम्मच ही तेल डालेंगे बस। ये देखो तेल डाले इसमें एक चम्मच, छोटा चम्मच तेल डाले। हाँ अभी ये डालेंगे वटाने को अच्छे से, इसमें पकाने के है कि वटाने ऐसे मेस हो जाए, ऐसे हो जाए, एकदम गल जाए, ऐसे पकाने के। इसी तेल में पकेंगे देखो अच्छे से, धीमी आंच पे पकाएंगे। अभी इसमें नमक डालेंगे, ये देखो आधा नमक डालेंगे, आधा आटा गूंदने में डालेंगे। नमक से जल्दी गल जाता है। अभी देखो ये देखो ये मिर्ची डालेंगे, इसको ज़रा भूनेंगे, इसके साथ बहुत टेस्टी लगता है, ऐसा बना के खाओ। ये कचौरी बना रहे, आज हम कचौरी भी बना रहे और हरे वटाने के पराठे भी बना रहे। ये देखो अब ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालें, ज़रा तीखी रहेगी ना तो अच्छी लगेगी कचौरी, टेस्टी। हमने मूंग के दाल की भी कचौरी बनाए थे, खीमे की भी, वो भी ऐसी तेज तेज बनाए ना, बहुत टेस्टी लगती है, रहती भी नहीं, खाने को मिलती भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बनाते ना, थोड़े लोग हैं थोड़ा सा बनाते। अभी एक कुटा भुना जीरा डालेंगे, अभी देखो ये देखो वटाना गलने को आया है। अभी देखो हींग डालेंगे और हींग डालेंगे और आमचूर पाउडर भी डालेंगे, आपको बोलने के लिए भूल गए, अभी हम बता रहे हैं। ये देखो आमचूर पाउडर एक चम्मच, मतलब आधी चम्मच भर डाले आमचूर पाउडर। अभी देखो ये वटाने गले क्या देखते हैं, देखो ऐसा मैच करने का देखते हैं, अभी नहीं गले नहीं है। और थोड़ा पकाएंगे, 5 मिनट पकाए और 2 मिनट पकाएंगे, ढककर रख के। ये देखो तो ये वटाने पक्के हो गए, अभी इसको हम ऐसा करके मैश कर देते। आपको चाहिए तो मिक्सर से ये फेरा मार दो, हम देखो ऐसा कैसा मैश कर रहे हैं इसको, ज़्यादा नहीं मैश करने का है ना, इसके लिए मिक्सर की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको चाहिए तो मिक्सर में एक फेरा मार दो, हो गया अभी बस, हो गया। ये देखो आटा हमने खोल दिए, अभी इसके पेरे बनाएंगे कचौरी बनाने के लिए और आपको बता देंगे। आटा गूंदने के लिए ये देखो ये प्याला भर के पानी लिए थे, देखो आधा कप, आधा प्याला भर के पानी लगा बस, इसी में आटा हो गया, 2 कप आटा है। अभी हम पेरे बनाएंगे इसके, देखो 2 कप आटा है, आधा हमने आधा चम्मच नमक डाले, नमक डाले। अभी देखो ये 2 चम्मच तेल डालेंगे, ये देखो 2 चम्मच चाय की चम्मच, 2 चम्मच तेल डाले, आधा चम्मच नमक डाले, 2 कप आटा है। अभी देखो इसमें पानी लिए हैं, अभी जितना पानी लगेगा आपको बताएंगे, इतना पानी लिए हैं। अभी देखो ये पूरा ऐसा मल मल के अच्छे से गुन के अच्छे से गुनेंगे आटा, पानी डालते जाएंगे गुनते जाएंगे, आपको बताएंगे। ये देखो ऐसा आटा गूंदने का, एकदम जोर जोर से, जोर लगाने का,
अच्छे से गून के फिर इसको 10 मिनट रखने का, ये करके बंद करके। आटा गून के हो गया, देखे अभी इसको थोड़ा सा तेल लेने का हाथ पे, ये देखो थोड़ा सा तेल ले, इसको ऐसा लगाने का अच्छे से लगाए। अभी इसको ढक के 10 मिनट रखेंगे। अभी वटाने की तरफ आ रहे, ये देखे ऐसा भी हो सकता है, देखे इससे तो गोल हो जाती है, देखो ये देखो हो गया। अभी इसको तलाट की मदद से इसको ये करेंगे, इसको बेलन लगाने की जरूरत नहीं, ये देखो ये देखो ऐसा करेंगे बराबर से ले, ये देखो फर्स्ट क्लास, देखिए इसको ऐसा 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 करके फर्स्ट क्लास गोल गोल आ रही, देखो देखिए। अभी इसको चपटा करेंगे, ये देखो वापस दिखा रही, देखे ऐसा ऐसा करने का, ये देखो ऐसा, और ऊपर से ऐसा मिला देने का, मिला दे। अभी इसको टलाट से बराबर करने का, अभी पेलन नहीं लगाएंगे, हाँ देखो अभी हमने तेल गरम करने रखे हैं, देखो तेल गरम करने रखे, ज़्यादा तेल गरम नहीं, देखो धीमी आँच है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आस्ते आस्ते इसमें डालते जाएंगे, ये देखो धीमी आँच पे तलेंगे, ये देखो धीमी आँच पे तलेंगे, हाँ, और ऐसा तेल उड़ाते जाएंगे। तेल उड़ाने से अच्छे से ऊपर नीचे सब पूरी से अच्छे से फ्राई होती है, ऐसे तेल उड़ाने का, और धीमी आँच पे। हमने इसमें सोरा पेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं लिए, आपके सामने मले हैं, क्योंकि ये टिफ़िन का बना रहे हैं हम, क्योंकि ये टिफ़िन में देने के लिए बच्चे लोग भी खाते हैं, बड़े लोग भी खाते हैं, इसके लिए सोरा नहीं लेने का। ये देखो धीमी आँच पे, एक तरफ से हो गई तो फिर दूसरी तरफ पलटी करेंगे। एक तरफ से नहीं हुई, होने दो धीमी आँच पे। ये देखो कैसी फूल रही है, देखो कैसी फूक रही, देखो फर्स्ट क्लास एकदम आपको दिखा रहे, बिना सोरे से भी अच्छे से फूकती है, सोरा डालने की जरूरत नहीं, खाली आटे को, खाली आधा घंटा आटे को रखने का। ये देखो ये देखो देखो कैसा फर्स्ट क्लास कचौरी बनी है, खस्ता कचौरी बहुत अच्छी बनी है, ऐसी बनाओ खाओ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो प्लीज़।